हेलो एवरीवन, आप लोगों ने बहुत सारे किस्म की मैगी खाई होगी, लेकिन आप लोग एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके देखिए। ये हेल्दी भी है और खाने में बहुत टेस्टी। मैगी बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन आज हम कुछ नए तरीके साथ और थोड़े से वेजिटेबल डालकर बनाने वाले हैं, तो ये खाने में सच्ची बहुत टेस्टी लगने वाला है। तो चलिए इसे बनाते हैं। लेकिन हाँ, अगर चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इधर गैस पे एक कढ़ाई को चढ़ा लिया है और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। और हमारा ऑयल गर्म हो चुका है तो यहीं पर हम एक कटा हुआ प्याज डाल दे रहे हैं और दो हरी मिर्च को मैंने चॉप किया है इसे भी डाल दे रहे हैं। और इन सबको अच्छी तरह सॉटे कर लेंगे। और यहीं पर डाल रहे हैं 1 टेस्पून अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ। बस इन सबको अच्छी तरह सॉटे करना है। और थोड़ा सा हमारा प्याज सॉटे होने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा वेजिटेबल। इसमें हम डाल रहे हैं एक टमाटर और ये स्प्रिंग अनियन है जिसे हमने कट कर लिया है थोड़ी सी, थोड़ा सा कैरेट और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कैबेज, बंधा गोभी। थोड़ी सी तो सब्जी पेट में जाने चाहिए ना। मैगी तो बहुत किस्म के बनता है, लेकिन वेजिटेबल डालकर थोड़ा मैगी बनाने से हेल्दी भी हो जाता है और इससे हमारी पेट भी भर जाता है। तो आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और इसे थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। और साथ ही इसमें हम डाल दे रहे हैं 1/2 टेस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टेस्पून रेड चिली पाउडर और साथ साथ हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। इससे हमारा वेजिटेबल अच्छी तरह गल जाएगा। और इसी में हम डाल दे रहे हैं मैगी मसाला। बस इन सबको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारे मसाला भी भून चुके हैं और वेजिटेबल जो डाले थे वो भी थोड़ा सा गल चुका है। तो अब हम इसमें डाल दे रहे हैं 2 मैगी का पैकेट। और मैगी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं और इसे मिक्स कर ले रहे हैं। और इसी में हम थोड़ा सा मटर डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मटर बहुत अच्छा लगता है मैगी में। अब हम क्या करेंगे कि 1 टेस्पून टमाटर सॉस डाल रहे हैं और 1 टेस्पून इसमें डाल रहे हैं चिली सॉस, ये ऑप्शनल है। और इन सबको हम ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। और लीजिए हमारी मैगी बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही लाजवाब और बहुत टेस्टी हमारी मैगी बनकर रेडी हो गई है। तो इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और इसे गैस के लीड को बंद कर देंगे। और चलिए आपको स्टॉप करके दिखाते हैं। ऐसी टेस्टी मैगी आप लोग भी अपने घरों में जरूर ट्राई कीजिए। और हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को साथ ही साथ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।